हेलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। ये छायामत के दिन है, खुद को संभालना, अपने परिवार को संभालना, अपने बच्चों को संभालना। बच्चों को जरा भी नीचे, मैं रात को भी आया था तो यहाँ पे बच्चे साइकिलिंग करने के लिए और इसके लिए बहुत बच्चों को नीचे छोड़ा गया था। तो मैं बुजुर्ग और बच्चों के लिए एक चीज बोलता हूँ, याद रख लेना, ये चीज बुजुर्ग को तलब और बच्चों को तलब बहुत जल्दी आती है। प्लीज अपने बच्चों को ना नीचे मत निकलना। और सरकार ने तो बोला है 30 अप्रैल तक, लेकिन एक बात याद रख लेना, ये चीज अगर हम नहीं सुधरे तो ये 30 अप्रैल नहीं, आगे और कितना दिन चलेगा और कितनी जाने जाएंगे नहीं बोल सकते। और हम इस्लाम में पैदा हुए हैं तो मौत भी कुरान शरीफ जैसी होनी चाहिए। याद रख लेना, इसकी मौत इतनी भयानक है, अगर आपको यहां से पॉजिटिव करके यहां से एक बार निकाल के लेके गए ना, तो याद रख लेना, आपका जनाजा भी आपके घर वालों को नसीब नहीं होगा, आपका चेहरा भी आपके घर वालों को नसीब नहीं होगा। और इस्लाम में पैदा हुए तो एक याद रख लेना, गुस्लाओ अपना जनाजा बहुत जरूरी होता है। और आपको अल्लाह ताला वही नेकी की मौत अदा फरमाए, वो नेकी की जिंदगी अदा फरमाए। इतना ही कहूंगा और अपने घरों में महफूज रहने के लिए फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा। अल्लाह हाफिज़।